इनसे मिलिए, आपके भतीजे घर पर कब्जा करने आए सामान समेत। अस्सलाम वालेकुम ताया अबू, वो मजाक कर रही थी, मैं तो शादी में शरीक होने के लिए आया। किसने बुलाया तुम्हें? किफी ने नहीं, किफी ने भी नहीं, मैंने खुद सोचा अपनी अकल से कि घर में फौ काम होंगे, आप अकेले हैं कैसे करेंगे, मैं खाना बनवाऊंगा, मैं शामियाना लगवाऊंगा, मैं कुर्सी में लगवाऊंगा, मैं ढोलक बजवा दूंगा। किसने कहा कि मैं अकेला हूं? मेरी एक बेटी तुम जैसे 10 लड़कों के बराबर है। उठाओ अपना सामान और चलते फिरते नजर आओ, चलो निकलो। अपनी बहन की शादी में शरीक हुए बगैर मैं लाश वापस जाएगी यहां से। अभी पूरी करता हूं तुम्हारी ये मरने की ख्वाहिश। शम्मो बंदूक लाना मेरी। नहीं शम्मो। आप जानते हैं मेरा सांस का मसला है, मेरा दिल का मसला है, ऐसी बातें तो ना करें। आप सोचें पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी, शादी कैफे होगी, ताई जान बिला वजह परेशान होंगी, फामे आप ही कितना रोएंगी। आप एक काम कीजिए, फामे आप ही को रुख्सत करते ही मुझे बेरुख्सत कर दीजिएगा अगर आप चाहें तो, वरना मैं तो फौज के आया हूँ, सारी उम्र आपकी खिदमत करूँगा। आप महात्मा बुद्ध, मैं आपका भिक्षु। तुम्हारी एक ही रजिस्टर ने हमारी बहुत खिदमत कर दी है, मजीद किसी खिदमत की जरूरत नहीं हमें। एक मामूली सी रजिस्ट्री की वजह से आप मेरी नियत पे शक कर रहे हैं? आप हुक्म कीजिए, अभी पुर्दा पुर्दा किए देता हूं उसे। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, अल्लाह गवाह खुलूस दिल से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, और मुसलमान जो होता है वो तो काफिर को भी पनाह दे देता है अपने घर में। ताईजान थोड़ी सी सिफारिश कर दीजिए, क्या चला जाएगा आपका। खबरदार जो तुमने मुझे ताईजान कहा, तो फैल से कहिए आए और आकर अपना माल गनीमत ले जाए यहां से। हाँ हाँ कीजिए फोन, वो आए तो वो टिक जाएंगे। मैं तो फिर भी शादी के बाद चला जाऊंगा, फैसला आपका है।